हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश, स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल सोकिल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, हमारी जो दीवार घड़ियाँ है या फिर उससे रिलेटिव वैसी जो घड़ियाँ है, इनमें बार बार सेल ख़त्म हो जाते हैं और ये साल भर भी नहीं चल पाते और इनको हमें बार बार चेंज करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर मैं इनके लिए एक लाइफ टाइम सेल बनाने वाला हूँ, जो कि लॉन्ग लास्टिंग चलेगा और ऐसे मान के चलिए ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार की जो घड़ियाँ आती है, इनके अंदर ऐसे सेल लगते हैं यानी डबल ए, जो कि पेंसिल सेल से थोड़े बड़े होते हैं। और यहाँ पर एक ये दीवार घड़ी है, इसके अंदर भी ये वाला ही सेल लगता है, देख सकते हैं आप। तो इन घड़ियों के अंदर हम 3.7 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, जिससे इस प्रकार की घड़ियों के अंदर बार बार बैटरी बदलने का झंझट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप चाहे तो ये ना के बराबर पैसे में हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पुरानी बैटरी है लैपटॉप की। तो इस प्रकार की जो बैटरी है वो आपको कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप से मिल सकती है, सिर्फ 70-80 रुपये में या 60 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो मैंने काफ़ी सारी बैटरियाँ यहाँ पर निकाल रखी है यूज में लेने के लिए, क्योंकि इनमें काफ़ी बैटरियाँ ओके निकलती है। और यहाँ पर दूसरी बैटरी है 3.7 वोल्ट की, जो कि मोबाइल की बैटरी होती है। इसमें देखिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सब में लिखा होता है, और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव के जस्ट सामने वाले पॉइंटों के ऊपर हम वोल्टेज ले सकते हैं। तो ऐसी बैटरियाँ भी आपके पास हो सकता है एक दो आपको मिल ही जाए, या फिर आप किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से अरेंज कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल सस्ती दे देंगे। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों, हम घड़ी के अंदर लगाने के लिए ये वाला सेल काम में ले रहे हैं, जो कि 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी होती है, जो कि लैपटॉप की बैटरी के अंदर आसानी से निकल जाती है या मार्केट में भी उपलब्ध होती है। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर हम एक लेंगे BC547 ट्रांजिस्टर, जो कि NPN ट्रांजिस्टर होता है, और दो लेंगे हम यहाँ पर 10K की रेजिस्टेंस, जो कि क्वार्टर वाट की है। तो हम ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से कर लेंगे, और इन सभी पार्ट्सों का लिंक मैं आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे ना के बराबर पार्ट्स है, आपको बिल्कुल ईजिली मिल जाएंगे, 3-4-5 रुपये के आपको पूरे पार्ट्स ये मिल जाएंगे, क्योंकि बैटरी का जो जोगाड़ है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस यानी पिन नंबर 1 और 2 पर हम रेजिस्टेंस को इस प्रकार से लगा देंगे, और इनपुट के लिए रेड वाला वायर 1 लगा दिया हमने पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए ब्लैक वाला वायर लगा दिया है। और आउटपुट के लिए यहाँ पर हम रेड वाला वायर लगा रहे हैं पॉजिटिव के लिए, और ब्लैक वाला वायर जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ से हमने ऑलरेडी लगा दिया है, और हमारा ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो बहुत ही खुशी की बात यह है इसके अंदर कि बिल्कुल छोटा सा सर्किट है, और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग भी इसे बिल्कुल इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं कि ये 3.7 वोल्ट टू डेड वोल्ट कन्वर्टर है, यानी कि 3.7 वोल्ट से डेड वोल्ट कैसे निकले। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेड वोल्ट आ रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको चेक करके बताऊँ तो ये 3.9 है, यानी 3.7 के लगभग। और यहाँ पर जैसा कि आपने देखा, मैं आपको दोबारा से चेक करवा देता हूँ, 1.52 यानी डेढ़ वोल्ट के लगभग। तो यहाँ पर अच्छे से वोल्टेज आ रहे हैं। अब मैं आपको इन घड़ियों के अंदर ये बारी बारी से चेक करवाऊँगा। तो चलिए हम सेल को निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सैंड पेपर की मदद से हम थोड़ा सा रब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोल्डरिंग ऐसे होगी नहीं, तो बिल्कुल इजीली यहाँ पर अब सोल्डरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा दूँगा दोनों तरफ। पेस्ट लगाने के बाद में यहाँ पर सोल्डरिंग बिल्कुल इजीली हो जाएगी, क्योंकि हमने रब भी कर लिया है। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव वायर को जोड़ लिया हूँ, सेल का जो नेगेटिव होता है उस तरफ, और सेल का जो पॉजिटिव होता है उसको दूसरी तरफ मैं इस प्रकार से जोड़ लिया हूँ। और अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी जो घड़ी है वो 3.7 वोल्ट की इस लिथियम आयन बैटरी के द्वारा चल गई है, और ये मोबाइल की बैटरी के द्वारा भी चल सकती है। सेम आपको यही सर्किट बनाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये आपके इतनी लॉन्ग चलेगी कि आप भूल जाओगे कि आपको ये सेल कब चेंज करना है। तो ये बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी दिनों तक चलेगी, कई सालों तक, यानी कि ये घड़ी की लाइफ टाइम बैटरी है। और अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको
दूसरी वाली जो घड़ी है दीवार वाली वो भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम इसमें भी हमारा वाला सेल लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इस सेल को हटा लेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सेम प्रोसेस करने के बाद में उसी प्रकार से हम यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे और अब हम देखते हैं कि घड़ी किस प्रकार से चल रही है। देख सकते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल बहुत ही ईजी है दोस्तों। और दोस्तों आप किसी भी प्रकार का सवाल अपने मन में मत रखना कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी जैसे घड़ी में या किसी भी चीज़ से रिलेटिव, तो आप बिल्कुल भी इसकी फिक्र ना करें क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 दिन तक इसका टेस्टिंग किया है जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, तब जाके मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। और वैसे इसका जो सर्किट डायग्राम है बिल्कुल छोटा सा है, फिर भी मैं आप लोगों को वो बना के बता देता हूँ अभी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो 3.7 वोल्ट की जो बैटरी है ये किस प्रकार से हम इस सेल के अंदर फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके चारों तरफ ब्लैक वाली टेप के द्वारा इस जो सर्किट हमने बनाया है इसको यहाँ पर सेट कर देंगे और इसके बाद में हम जैसे चाहे वैसे घड़ी के अंदर घड़ी के पीछे लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस प्रकार से डबल टेप ले लेते हैं और इसको घड़ी के पीछे इस प्रकार से सेट कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आप लोगों के लिए और काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम 3.7 लिथियम आयन बैटरी को घड़ी के पीछे इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। चाहे तो आप मोबाइल की बैटरी को भी इस सर्किट के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं, तो बहुत ही छोटा सा सर्किट है। तो दोस्तों आप मुझे इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट करते रहिए, मैं आप लोगों की फरमाइश को पूरा करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और चलिए अब देखते हैं सर्किट डायग्राम। तो ये है इसका छोटा सा सर्किट डायग्राम, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।